शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें, हिमाचल में चुनावी नामांकन का आखिरी दिन, ये बड़ी खबर। आखिरी दिन कई दिग्गज प्रत्याशी जो है नामांकन जो है वो करेंगे, तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हमीरपुर कांग्रेस प्रत्याशी पर्चा भरेंगे, हिमाचल में चुनावी नामांकन का आज आखिरी दिन, बड़ी खबर। आखिरी दिन कई प्रत्याशी नामांकन करेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी पर्चा भरेंगे, तो हमीरपुर कांग्रेस प्रत्याशी पर्चा भरेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। हिमाचल में चुनावी नामांकन का आखिरी दिन, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के कई प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे। जो है वो नामांकन करेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। विकास शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, नामांकन का आज आखिरी दिन है, कई जो दिग्गज हैं वो आज नामांकन करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज आखिरी दिन है और ऐसे में बीते अगर कुछ दिनों की बात करें तो लगातार छुट्टियां थी और यही एक बड़ी वजह है कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो नहीं हो सकी और ऐसे में अब आज जो है वो आखिरी दिन है क्योंकि अब तक ये बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों के भीतर ही 17 अक्टूबर से नामांकन भरने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ था और उसके बाद से लगातार नामांकन जो है वो भरे जा रहे हैं लेकिन 21 अक्टूबर तक के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जारी रही और 21 से लेकर आज पिछले कल 24 तक जो है क्योंकि छुट्टियां चल रही थी और ऐसे में जो ये नामांकन की प्रक्रिया थी वो नहीं हो पाई और ऐसे में अब तक 255 उम्मीदवार ऐसे बताए जा रहे हैं जो नामांकन अपना हिमाचल प्रदेश में दाखिल कर चुके हैं जिनमें अगर पार्टियों की बात करें तो भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, CPIM है, अन्य कई दल हैं और इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने आज तक जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है लेकिन आज क्योंकि आखिरी दिन है और आज वर्किंग डे है तो ऐसे में आज भी ये प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में क्योंकि अब 27 अक्टूबर को ये बताया जा रहा है कि जो छंटनी है उसका दिन यहाँ पर रखा गया है और स्क्रूटनी का दिन यहाँ पर रखा गया है और इसके बाद 29 अक्टूबर को जो है नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकते हैं यानी कि विड्रॉल का नॉमिनेशन का जो तारीख है वो 29 तारीख है। ऐसे में क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो सियासी हलचल है वो तेज हो रही है, 3 दिन की छुट्टियां होने के बाद आज पहला दिन होगा जब नॉमिनेशन जो है वो फिर से लोग फाइल कर पाएंगे और आज भी उम्मीद है कि अच्छी खासी भीड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश में जगह जगह देखने के लिए मिल सकती है। कई दिग्गज नेता जो है वो आज अपना नामांकन पत्र, देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो देवभूमि है, आस्था के साथ लोग जुड़े रहते हैं तो इसलिए शुभ मुहूर्त का इंतजार जो है वो सभी यहाँ पर करते हैं और ऐसे में मुहूर्त जो है वो आज किस समय होगा, किस समय जो है वो किसको सूट करता है वो उस हिसाब से वो देखेगा और आज नामांकन पत्र जो है वो निश्चित रूप से भरे जाएंगे और आज की संख्या भी बड़ी संख्या मानी जा सकती है। 68 सीटों के लिए चुनाव जो है वो यहाँ पर होना है, 12 नवंबर को पोलिंग जो है वो यहाँ पर होनी है और ऐसे में 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे जो है वो यहाँ पर आने हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक जो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं, 55,74,793 मतदाता है वो अपने मत का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और ऐसे में अच्छी खासी संख्या है लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य है, चुनौतियां भी कई रहती हैं मतदान के दौरान क्योंकि 15 नवंबर के बाद से ये माना जाता है कि ऊंचाई वाले इलाके जो होते हैं अंजलि, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के कारण समस्याएं जो है वहां पर बढ़ जाती हैं और दुश्वारियां जो है वहां पर बढ़ जाती है तो ऐसे में मतदान किस तरह से वहां पर हो पाए और किस तरह से 100% मतदान को लेकर जो चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है क्या वो राह आसान होगी, इस चीज को भी चुनौती के रूप में जो है वो चुनाव आयोग यहाँ पर देख रहा है लेकिन फिलहाल नामांकन का ये आखिरी दिन है आज और हर किसी की नजर इस बात पर रहेगी कि कौन से ऐसे बड़े दिग्गज नेता है क्योंकि देखिए दल बदल की राजनीति हिमाचल प्रदेश में चल रही है, नाराजगी से लोग जो हैं वो नेता, कई लोग नेता जो है वो यहाँ पर जूझ रहे हैं और ऐसे में आज ये माना जा रहा है कि जो नाराजगी होगी उसे खत्म करते हुए या उसे अपनी नाराजगी जताते हुए लोग जो है वो आज आजाद बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो जरूर यहाँ पर नामांकन पत्र भरेंगे तो हर किसी की नजर इसी बात पर रहेगी कि कौन नाराज है और क्या जोड़ घटाव जो है वो राजनीतिक लोग जो जानकार हैं यहाँ पर जो जानकारी इस बात की रखते हैं
कौन ऐसे लोग हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार आज यहाँ पर भरेंगे, बतौर उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर अपना नामांकन पत्र भरेंगे, और इसके बाद खुलकर जो है ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और लोग जो है वो जोड़ घटाओ इसी बात को लेकर करेंगे कि पार्टी की जीत किसकी होगी और सत्ता की चाबी जो है वो किसके हाथ में होगी, इसको लेकर तस्वीर जो है वो आज साफ होने वाली। चलिए, तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, नामांकन का आखिरी दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास।